morning everyone, welcome to Satya Prakash English Medium School. First of all, after very long time, how are you all? All are fine, right? So, today's, let me deal with our subject, looking around environmental studies. Okay, chapter number 7. Kya hai chapter ka naam? Experiment with water. Okay, experiment kiya hai kabhi? कोई भी साइंस रिलेटेड या तो फिर अनदर एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि हमें कैंडल लेनी है, कैंडल को ऑन करनी है, फिर कैंडल के ऊपर जब हम ग्लास, कोई भी ग्लास जैसे हम रख देंगे पूरा उल्टा करके, तो क्या होगा? कैंडल ऑफ हो जाएगी, कैंडल जो है बुझ जाएगी. आप लोगों ने ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट देखे. ओके, फिर एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा ही, रोज देखते हैं, माचिस जो है, माचिस की तीली ऐसे करते हैं तो उसके ऊपर जो है वो मतलब कि फायर होता है, फिर स्प्रे से हम फायर करते हैं तो मतलब कि बड़ा सा जो आग है वो निकलता है. सो मेनी एक्सपेरिमेंट, आप जो छोटे से बड़े हुए तब तक कई सारे एक्सपेरिमेंट किए. ओके, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट क्या है? ये सब साइंस है. हमारे घर में बेकिंग सोडा रहता है, पता है, जो हम मतलब कि भजिया वगैरह सब बनाते हैं उसके अंदर डालते हैं खमन वगैरह उसके अंदर, तो बेकिंग सोडा है उसके अंदर आप लोगों को है ना मतलब कि लेमन के 2-3 ड्रॉप्स आप ऐड करोगे ना तो क्या होगा पता है, उसमें से जो है ना वो मतलब कि जैसे झुहाड़ा मुखी बोलते हैं ना वो बाहर निकलेगा. तो आप लोगों को मतलब पर्वत जैसा बनाते हैं, फिर उसके अंदर बेकिंग सोडा डालते हैं, फिर लेमन जूस डालते हैं, तो फिर कलर के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे ना तो आपको मतलब लगेगा कि ये झुहाड़ा मुखी है. कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों ने डन कंप्लीट किए हैं, हमें पता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट है लेकिन वो हो जाता है. ओके, तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं. वाटर, यू नो अबाउट दैट वाटर इज अ वेरी नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ, विदाउट वाटर वी कांट लाइव ऑन द अर्थ. इन अवर अर्थ 70% वाटर विल बी प्रेजेंट एंड 30% लैंड. ओके, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर 70% जो है वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसमें से ओनली 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी का सारा वाटर जो है वो सॉल्टी वाटर है. सो वाटर इज नेसेसिटी, हाउ टू सेव वाटर, ये सारी बात आप लोगों को पता है. लेकिन एक्सपेरिमेंट उसके अंदर क्या क्या करने हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, वाटर के ऊपर क्या फ्लोट करता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल आप लोग चैप्टर के अंदर आज देखने वाले हैं. सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 60. ओके, चैप्टर नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वॉटर. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स. व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स, कौन सी चीज जो है वो फ्लोट, फ्लोट मतलब कि तैरती है पानी के ऊपर, एंड व्हाट सिंक्स, ऐसी कौन सी थिंग्स है जो पानी के अंदर डूब जाती है. व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स. लेट्स सी. Ayesha was waiting for dinner. Today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. Okay, Ayesha was waiting for dinner. Dinner के लिए Ayesha जो है वो wait कर रही थी. And today, Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. आज जो है Ammi उसके लिए puri and potatoes जो है वो बनाने वाली थी. Okay? Ayesha wanted as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. Ayesha की जो Ayesha देख रही थी उसकी मम्मी ने पूरी का रोल आउट मतलब कि पूरी जो है वो रोल बनाया उसका पूरी का, एंड देन हॉट ऑयल के अंदर पूरी को फ्राई करने के लिए रख दिया. सी शो दैट एट फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. पहले देखा तो पूरी जो है वो सैंक हो गई, सैंक मतलब कि डूब जाती है, एट द बॉटम ऑफ द पैन, पेन के बॉटम में, पेन मतलब कि वो जो यूटेंसिल था उसके अंदर पूरी बॉटम पे चली जाती है, एंड आफ्टर दैट इट इज पफ्ड अप, धीरे धीरे वो ऊपर आती है. द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल, एंड आफ्टर दैट पूरी जो है वो तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर आ जाती है एंड फ्लोट करती है. वन पूरी डिड नॉट पॉप अप, एक पूरी जो है ना वो ऊपर नहीं आई, एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स, दूसरी पूरी की तरह वो भी फ्लोट नहीं कर रही थी, नॉट फ्लोट नहीं कर रही थी,
On seeing this, Ayesha took some dutch and rolled it into a bowl. ओके ये देखने के बाद अयशा ने क्या किया, टुक सम डच, डच मतलब कि जो वो डच बना हुआ था, नेट डच, ओके, जो पूरी बनाने के लिए जो डच बना हुआ था उसे रोल किया, उसका बोल बनाया, एंड सी फ्लैटेंड इट एंड पुट इनटू अ बाउल ऑफ वाटर। फिर उसने रोल बना के, बोल बना के पानी का जो बाउल लिया उसके अंदर जो उसने रखा, अलास इट सिंक टू द बॉटम एंड स्टे हियर, ये तो बॉटम पे चला गया, डूब गया एंड वहां पे स्टे, मतलब कि वहां पे रह गया। आपको भी ऐसा करना है, आप लोगों ने ऐसा कहीं भी मतलब कि किया भी होगा कि मम्मी ने जो गुजराती में कहूँ तो लोट बांधे ने, लोट रोटली बनावानो के पूरी बनावानो, ए लोट पानी में राखशो ने तो डूबी जाशे, ओके, दे सिंक एट द बॉटम। सो थिंक व्हाट वुड हैपन इट, लेट्स सी क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। अयशा ने जो है वो पफ्ड पूरी मतलब कि पूरी तरह से डीप फ्राई की गई पूरी को वाटर के बाउल के अंदर रखा, देन वुड इट सिंक और फ्लोट, वो क्या करेगी, द पूरी वुड बी फ्लोट, पूरी जो है वो फ्लोट करेगी। इसके आंसर्स आप लोगों को वीडियो में से ही कंप्लीट करने हैं, आई कुड नॉट सेंड द PDF ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, आप लोगों को स्टील की प्लेट लेनी है, उस प्लेट को आप लोगों को पानी के ऊपर रखनी है, ओके, प्लेट धीरे से रखनी है, ओके, और ऐसे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल में रखनी है, वर्टिकल के अंदर नहीं रखनी तो सेंक हो जाएगी, ओके, हॉरिजॉन्टल में आप प्लेट जो है वो ओपन प्लेट ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, वुड इट सिंक और फ्लोट, प्लेट वुड फ्लोट, क्या करेगी, प्लेट वुड फ्लोट। एंड व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून, स्पून का क्या होगा, आप लोग स्पून रखेंगे वाटर के अंदर तो स्पून का क्या होगा, सो द स्पून वुड सिंक, स्पून जो है वो सिंक हो जाएगी, प्लेट जो है वो फ्लोट करेगी, ऊपर तैरती है, एंड जो स्पून है वो सिंक मतलब कि डूब जाएगी, ओके, सो राइट डाउन स्पून वुड सिंक। नेक्स्ट थर्ड, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोटल, प्लास्टिक बोटल का कैप लेना है, सिंक और फ्लोट ऑन वाटर, क्या वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो उसके अंदर आंसर आएगा द कैप ऑफ प्लास्टिक बोटल वुड फ्लोट ऑन वाटर, वो जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, फ्लोट ऑन वाटर, ओके, फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने हैं, पानी की बाल्टी जो है वो पूरी भरनी है, उसके ऊपर आप लोग मतलब कि स्टील की प्लेट रख सकते हो, स्पून रख सकते हो, एंड उसके साथ साथ बोतल का कैप रख सकते हो, डन। सो इन द इवनिंग अयशा वेंट फॉर अ बाथ, शाम को वो नहाने के लिए जाती है, सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, जैसे ही वो बाहर आने वाली थी तभी उसकी मम्मी जो है ना वो बोलती है, अयशा यू हैव ड्रॉप्ड द शॉप इन द वॉटर अगेन, यू हैव ड्रॉप्ड द शॉप इन द वॉटर अगेन, तुम्हें शॉप को वॉटर के अंदर रखना है, फिश है, टेक इट आउट एंड पुट इट दी शॉप केस, वॉटर के अंदर नहीं रखना है, शॉप केस के अंदर शॉप तुम्हें रखना है, ओके, यू हैव टू बी पुट शॉप इन द शॉप केस, आप लोगों को भी जो शॉप है वो शॉप केस के अंदर आप लोग रखते ही होगे अपने जो बाथरूम है उसके अंदर, तो उसकी मम्मी भी बोलती है कि तुम साबुन जो है वो बाहर पानी के अंदर नहीं छोड़ देना, शॉप केस के अंदर रख देना है। एंड अयशा वॉज इन अ हरी एंड शॉप केस फेल आउट्स ऑफ द हैंड, जैसे ही वो शॉप केस के अंदर शॉप रखने जा रही थी, शॉप जो है वो उसके हाथों में से गिर जाता है। पेज नंबर 61, लेट्स सी, ओके, हर हैंड्स इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर, अयशा जेंटली पुट द शॉप इन टू द शॉप केस, जैसे ही वो शॉप है ना शॉप केस के अंदर रखने जाती है ना, तो शॉप केस उसके हाथों में से गिर जाता है, एंड शॉप केस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, ओके, एंड शॉप इन टू द शॉप केस, शॉप शॉप केस के अंदर ही था लेकिन वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, शी शो दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट, ये कंटिन्यू जो है वो तैरता है, इवन विद द शॉप इन इट,
सोप अंदर है फिर भी ये फ्लोट करता है, तो वाई? Have you seen that some things float on the water while others sink? Okay, आप लोगों ने कभी ऐसा है कि कौन कौन सी things जो है वो float करती है एंड कौन कौन सी things, ऐसी कौन सी things है जो sink, मतलब कि पानी के अंदर डूब जाती है? तो yes, you have to be observed that certain things float on the water while certain things sink in the water. Okay, everything does not displace the water equal to the volume and if the displace the water is more than the weight of the things. पानी के वेट से थिंग्स का वेट ज्यादा है ना, ओके, तो वो तैरती है. एंड पानी के वेट से ज्यादा जो उसका वॉल्यूम हल्का है ना, तो वो पानी के अंदर डूब जाती है. अगेन आई रिपीट, इफ द वॉल्यूम इज डबल देन द वॉटर, वॉटर से ज्यादा होता है, मोर देन द वॉटर, then the things is float on the water and the volume of things, volume of anything is light than the water, then the things are sink in the water. Okay, so the poem here raises such questions. यहाँ पे poem दी गई है, उसके अंदर से कुछ question मिलते हैं. Let's see कैसे. Oh, why? Oh, why? A wooden boat in water will float. Wooden की boat है वो पानी के ऊपर float करती है. But a needle will sink. Needle जो है, needle पता है ना किससे बनी होती है, needle. वो जो है वो water के अंदर sink, डूब जाती है. Why does this happen? ये कैसे होता है? Let me think. जरा सोचो आप लोग. An iron ship will also float. Iron की ship है वो भी float करती है. Though it's much heavier than my boat. क्या वो मेरी boat से heavier है इसीलिए? Next है, but a needle light as a leaf. But needle तो leaf से भी हल्की है, light है. Then a pin will sink right in. फिर से pin जो है वो sink हो जाती है. Why does this happen? Let me think. ऐसा क्यों होता है? सोचो. ओके, आप लोगों को सोचना है कि बोट जो है, आयरन की बोट है, वुडन बोट है, वो क्यों फ्लोट करती है एंड छोटी सी पिन है, नीडल है, तो वो क्यों पानी के अंदर, वाटर के अंदर सिंक हो जाती है. डन. नेक्स्ट है, डू दिस एंड फाइंड आउट. क्या करना है यहाँ पे? डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप्स ऑफ फोर फ्रेंड्स. आपको फोर फ्रेंड का ग्रुप बनाना है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना है. ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट फिल्ड विथ वाटर. ओके, पानी का एक पोट लेना है, पूरा पानी से भरा होना चाहिए. एंड द थिंग्स लिशन इन द टेबल. टेबल के ऊपर जो थिंग है वो आप लोगों को अरेंज करनी है. एंड पुट ईच थिंग वन बाय वन इन वाटर. आपको वन बाय वन थिंग्स जो है वो पानी के अंदर डालती, ऐड करती है. ओके, एंड ऑब्जर्व करना है कि विच थिंग्स फ्लोट ऑन द वाटर एंड विच थिंग्स सिंक इन टू द वाटर. राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. आप लोगों को ऑब्जर्वेशन लिखना है कि कौन सी थिंग्स जो है वो फ्लोट करती है एंड विच थिंग्स सिंक इनटू द वाटर. ओके, टर्न योर पेज. कौन कौन सी थिंग्स है, लेट्स सी. सो हियर ऑन द पेज नंबर 62, मार्क राइट टिक मार्क फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट. जो थिंग्स फ्लोट करती है ना उसमें राइट करना है एंड मार्क क्रॉस फॉर दोस दैट सिंक. जो डूब जाती है उसके अंदर हम लोगों को क्रॉस करना है. डन. पहले टेबल देख लो पूरा अच्छे से. थिंग्स टू बी पुट इन वाटर. आप लोगों को ये जो थिंग्स दी गई है ना वाटर के अंदर रखनी है. फिर आई गेस्ड बिफोर आई डिड. पहले हमें करने से पहले गेस करना है कि वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी. एंड आफ्टर दैट आई शो व्हेन आई डिड इट. उसके बाद मुझे एक्सपेरिमेंट करना है क्या होता है वो मुझे यहाँ पे लिखना है. पहले गेस करना है फिर यहाँ पे राइट और रॉन्ग करना है. ओके, चलो. फर्स्ट ए, एम्प्टी बाउल. आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना हो साथ में, पानी की एक बाल्टी साथ में रो, ये सारी थिंग्स कलेक्ट करके रख लो. फिर एम्प्टी बाउल. ओके, एक बाउल लेना है, कटोरी जिसे बोलते हैं. ओके, एम्प्टी बाउल लो. चलो, उसके अंदर क्या होता है? आई गेस्ट बिफोर आई डिड इट. पहले आप लोग सोचो, पहले आप लोग सोचो कि बाउल जो है वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा. डन.
तो आई थिंक मुझे लगता है कि बाउल जो है ना वो सिंक फ्लोट जो है ना वो नहीं होगा, सिंक होगा, डूब जाएगा. ओके तो मैं यहाँ पे करती हूँ क्रॉस. अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करो क्या होता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करो कि वो सिंक होता है या फिर फ्लोट होता है. ओके वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है. मैं यहाँ पे गेस करके बता रही हूँ आप लोगों को कि वो सिंक करता है ना तो क्रॉस करना है, फ्लोट करता है ना तो राइट करना है. तो मुझे लगता है वो सिंक हो जाए, डूब जाएगा. मैं क्रॉस कर रही हूँ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे आंसर लिखो क्या होगा. आपके पास घर पे बाल्टी है, पानी है एंड उसके साथ साथ बाउल, कटोरी सब कुछ है, थिंग्स भी है. नेक्स्ट है आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन. पेबल्स रखते जाने 6-7 पेबल्स पता है ना क्या है, लखोटी. चलो वो क्या करेगी, मुझे तो लगता है कि वो डूब जाएगी. आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, सिंक हो रही है डूब जाती है तो क्रॉस करो, फ्लोट हो रही है तो राइट करो. ओके ये टेबल आप लोगों को होमवर्क में अंदर कंप्लीट करना है. फिर आयरन नेल और पिन, पिन लेनी है. आयरन नेल मतलब कि जो नीडल टाइप, तो वो फ्लोट करती है या तो फिर सिंक करती है. क्रॉस मार्क करना है, मुझे क्रॉस, मुझे ऐसा लगता है कि वो डूब जाएगी. सिंक मैंने क्रॉस किया, आप लोग ट्राई करके देख लो, पानी के अंदर नीडल डाल दो क्या होती है, सिंक होती है तो क्रॉस करो, फ्लोट होती है तो राइट करो. मैचस्टिक, ओके मैचस्टिक के साथ क्या होगा, फ्लोट करेगी या सिंक करेगी पता है ना, माचिस की तिल्ली. तो मैचस्टिक आई थिंक फ्लोट करेगी. चलो मैं राइट करती हूँ, आप लोग ट्राई करके देख लो, फ्लोट करता है तो राइट, सिंक करता है तो रॉन्ग. फिर उसके बाद एम्प्टी प्लास्टिक बोतल विथ इट्स लिड क्लॉथ. ओके प्लास्टिक की बोतल, आई थिंक इट फ्लोट ऑन दी वॉटर. डू एक्सपेरिमेंट, आप लोग एक्सपेरिमेंट करो. चलो क्या करते हैं नेक्स्ट है बोतल हाफ फिल्ड विथ वॉटर. ओके हाफ फिल्ड वॉटर, फिल्ड वॉटर बोतल लेनी है, वो तैरती है या सिंक होती है. तो मुझे लगता है कि वो तैरे, मतलब कि वो अभी फ्लोट करेगी क्योंकि वो हाफ फिल है. ओके नेक्स्ट है बोतल फुल ऑफ वॉटर, पूरी पानी से भर देनी है. बोतल फुल ऑफ वॉटर तो पूरी पानी से भरी हुई बोतल तैर नहीं सकती, वो सिंक हो जाएगी, इसलिए मैं क्रॉस कर रही हूं. ओके इसलिए यहां पे आएगा क्रॉस. चलो नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग. एल्यूमिनियम फॉइल लेना है, मेडिसिन पैकिंग के अंदर जो आता है ना वो, तो वो क्या करेगा, आई थिंक इट इज फ्लोट ऑन दी वॉटर. मैं राइट कर रही हूं, आप लोग चेक करो. ओके ओपन एंड स्प्रेड आउट. फिर है प्रेस्ड लाइटली इनटू द बॉल एंड इनटू द कप लाइक शेप. ओके आप लोगों को ओपन करना है, वो पूरा खोल देना एंड स्प्रेड आउट फैला देना है, तो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा आई थिंक. फिर है प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, वो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको आप प्रेस करके बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बना देना है, तो वो क्या करेगा, मतलब बॉल बनेगा ना, तो आई थिंक वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. ओके एंड इन अ कप लाइक शेप, आप कप लाइक शेप बनाओगे ना एल्यूमिनियम फॉइल का, तो मुझे लगता है कि वो फ्लोट करेगा. ओके मैं यहां पे गेस कर रही हूं क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूं, एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करना है. चलो नेक्स्ट सोप कैक. आप लोगों के घर पे सोप है नहाने का, मतलब कि क्लॉथ्स जो है वॉश करते हैं आप, कपड़े धोते हैं, तो वो सोप को आपको पानी में डालना है. आई थिंक वो डूब जाएगा, वो श्रिंक इन द वॉटर. आपको क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो मुझे एक्सपेरिमेंट के फोटो सेंड करना है, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो ना उस तरह का. फिर है सोप केक ऑन द स्मॉल प्लास्टिक प्लेट. प्लास्टिक की प्लेट रख लेनी है, उसके ऊपर सोप रखना है और फिर पानी के ऊपर रखना है. फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, डूब जाएगी या तैरेगी, क्या आएगा आंसर. मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की प्लेट है ना, इसलिए वो फ्लोट करेगी. एंड लास्ट है पीस ऑफ आइस, आइस का पीस लेना है, बर्फ का. फिर क्या होगा, मुझे लगता है कि वो फ्लोट करेगा, इसलिए मैं राइट करती हूँ. आपको ये सारी थिंग्स आपके घर पे प्रेजेंट है, अवेलेबल है, सारे एक्सपेरिमेंट करते जाओ. यदि फ्लोट करती है तो राइट मार्क करो, डूब जाती है तो क्रॉस करो.
ओके, डूब जाती है तो क्रॉस करो एंड फ्लोट करती है तो राइट मार्क करो, डन। ओके डन, टेबल समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सेंक इन द वॉटर। आपके घर में कई सारी थिंग्स है, देखो पेन है, फिर हमारे पास इरेजर है, तो सो मेनी थिंग्स आप लोगों को कलेक्ट करनी है एंड कौन सी थिंग्स जो है वो फ्लोट करती है एंड विच थिंग्स आर सिंक इन टू द वॉटर, वो आपको फाइंड आउट करना है एंड टेबल रेडी करना है। ओके चलो, अभी जो है यहाँ पे क्या है, आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद ये आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। लेट्स सी द आयरन नेल। आयरन नेल मतलब कि नीडल क्या करती है, सेंक या फ्लोट। नीडल जो है वो सेंक हो जाती है, डूब जाती है, तो सेंक इन वॉटर, S-A-N-K, सेंक इन वॉटर। बट द कटोरी, कटोरी थी तो वो क्या कर रही थी, कटोरी जो है वो फ्लोट कर रही थी, FLOATED, फ्लोटेड। तो दोनों आयन के ही है, कटोरी भी आयन से बनी हुई है, बाउल भी आयन से बना हुआ है, एक नीडल है एक बाउल है, तो नीडल क्यों सेंक होती है एंड कटोरी क्यों फ्लोट होती है, आई थिंक दिस इज हैपन, ये कैसे होता है, तो लिखो बिकॉज आयन नेट कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द कटोरी। कटोरी जो है वो मतलब कि ज़्यादा जगह प्लेस जो है वो मतलब कि पानी के अंदर जो है वो स्थान लेती है एंड नीडल जो है वो लेस। ओके, आयरन नेल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन व्हाट वाज डिस्प्लेस्ड बाय द कटोरी। कटोरी जितना पानी को डिस्प्लेस करती है उससे बहुत कम जो है वो नीडल डिस्प्लेस करती है, सो कटोरी जो है वो फ्लोट करेगी एंड जो नीडल है वो सेंक होगी। ओके, राइट डाउन विथ मी, दिस इज हैपन बिकॉज आयरन नेल, मेरे साथ लिखना है, आयरन नेल डिस्प्लेस डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर आयरन नेल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर बट कटोरी धैन कटोरी, बट नहीं यहाँ पे ध्यान आएगा। ओके, आयरन नेल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वॉटर धैन कटोरी, कटोरी से कम जो है वो मतलब कि पानी को डिस्प्लेस करेगा, वॉटर को डिस्प्लेस करेगा। नेक्स्ट है द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, जो पानी की एम्प्टी बॉटल है वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, तो यहाँ पे लिखो फ्लोटेड ऑन वॉटर एंड द बॉटल फिल्ड विद द वॉटर, पानी की पूरी भरी हुई बॉटल है वो क्या करेगी, सेंक, डूब जाएगी, बिकॉज द फिल्ड बॉटल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वॉटर। देखो यहाँ पे द, बिकॉज द फिल्ड बॉटल डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वॉटर, लेस अमाउंट ऑफ वॉटर। ओके, जो फिल बॉटल है वो पानी का लेस अमाउंट जो है डिस्प्लेस करती है। द नेक्स्ट द एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जो है, एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड, वो फ्लोट करता है, तैरता है पानी के ऊपर, फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट, जब उसको स्प्रेड आउट करते हैं, व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू द बोल, जब हम बोल बनाते हैं तब वो सिंक, डूब जाता है, दिस में बिकॉज द एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट कुड डिस्प्लेस मोर वाटर, बिकॉज इट स्प्रेड
out food displays more water. डन, तो ये मेरे साथ कंप्लीट करो. ये आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है आज के होमवर्क में, और ये टेबल जो है वो HW के अंदर कंप्लीट करना है विद एक्सपेरिमेंट. डन. एंड ये जो है सारा PDF मैंने आज कंप्लीट करवाया. यहाँ पे है पेज नंबर 60 के ऊपर, 70 के ऊपर कुछ नहीं है, फिर 62 के ऊपर. ये जो है वो सारा आप लोगों को होमवर्क में कंप्लीट करना है. डन. तो आज जो है हम Part 1 में यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी का तो जो है वो Part 2 के साथ कंप्लीट करेंगे. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.